I have received many messages that please post the sequence video for the constitution we were continuing. So that was a mixed feeling. I was feeling helpless because I was keeping really busy. Also, I was feeling inundated with the response that yes, you are waiting. So without wasting any time, let's continue the series. For those who might be watching this for the first time, I would like to tell you this is the series we are making for the making of constitution. Constitution ke bahut basics hum logon ne padhe hain abhi tak. This is the fifth video. So if you're just directly jumping to the fifth video, don't jump. Please watch the first four and then come to this. Okay? This has been strategized. Ki kaise banane hain, bahut choti choti videos hain. Okay? So abhi tak hum logon ne kya padh liya tha? Humne padh liya tha ki कॉन्स्टिट्यूशन कब बनना शुरू हुआ, कैसे बना, प्रीएम्बल पढ़ा, डेट्स पढ़ी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कितना टाइम लगा, कौन कौन लोग थे जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया, राइट? नाउ कम टू द कॉन्स्टिट्यूशन. अब मैं आपको डायरेक्टली, आज वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है जिसके अंदर हम चीजें याद करना शुरू करेंगे, याद कैसे करनी है, ठीक है? और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है? सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड there were 395 articles. आप नोट्स बनाते जाओ साथ साथ, वरना याद नहीं रहेगा. एंड मैं बार बार एक चीज दोबारा दोबारा नहीं बताऊंगी. There were 395 articles when it was made, 22 parts and are 8 statutes. अब क्वेश्चन काफी सारे लोग मुझसे बहुत बार पूछ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की, मैम ये पार्ट और शेड्यूल होता क्या है, आर्टिकल्स होते क्या है, ठीक है? तो देखो इसको इन शॉर्ट ऐसे याद रखते हैं कि जैसे कोई बुक है, फॉर एग्जाम्पल दिस बुक, ठीक है? इस बुक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़नी है. जैसे इस बुक में कहीं पर लिखा है कि दिस इज द प्रेसिडेंट, कहीं पर लिखा है कि दिस इज द प्राइम मिनिस्टर, दिस इज द वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज द डिप्टी सीएम, दिस इज द सीएम, ऐसी ऐसी बातें लिखी. अब मुझे पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जाना है. व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द इंडेक्स, राइट? आई विल गो टू द इंडेक्स एंड इंडेक्स में मैं देख लूंगी कि अच्छा कौन से पेज नंबर पे, एंड आई विल डायरेक्टली गो टू दैट. दैट इज कॉल्ड आर्टिकल्स. समझ आ रहा है? दैट इज कॉल्ड आर्टिकल्स. की अगर मुझे पता करना है कि इमरजेंसी लगनी है तो इमरजेंसी डायरेक्टली मुझे कौन से आर्टिकल पे मिलेगी, आर्टिकल 360 पे, 352 पे, 356 पे, 360 पे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आर्टिकल. अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, मुझे पता है वो डायरेक्टली 368 अमेंडमेंट, 368 आर्टिकल पे मिलेगा, सो आई विल डायरेक्टली जंप देयर. इज दैट क्लियर? दोज आर कॉल्ड आर्टिकल्स. अब इतने सारे आर्टिकल्स हैं, हमने उनको ग्रुप में डिवाइड किया है, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया कि इस आर्टिकल से इस आर्टिकल तक यहां पे मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल डिपेंड करता है कि पांच आर्टिकल, हो सकता है कि पांच के पांच आर्टिकल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, तीन के तीन आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स की बात करो, समझ आ रहा है आपको? दो आर्टिकल हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करो. हमने डिपेंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज आर्टिकल्स उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और उस ग्रुप का पार्ट उसको कहा पार्ट्स, ठीक है? उसको कहा पार्ट्स. तो ये जो आर्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं है कि आर्टिकल्स अलग है और पार्ट अलग है. नो, दीज आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इंटू पार्ट्स. ओके, पार्ट्स अलोंग विद द शेड्यूल्स, पार्ट्स विद शेड्यूल्स. ओके, सो देयर इज नो एज सच डिफरेंस. ऐसा नहीं है कि ये अलग किताब है, ये अलग किताब है, ये अलग किताब है. एक ही किताब कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको अलग अलग भागों में बांटा गया डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. इज दैट क्लियर? तो कमिंग बैक, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो देयर वर 395 आर्टिकल्स, देयर वर 22 पार्ट्स ऑब्वियसली एंड 8 शेड्यूल्स. लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि, और लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बताया था दैट फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी, रिजिडिटी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये देता है, तो हम फ्लेक्सिबल हैं. जैसे जैसे समाज बदलता गया, उसकी जरूरतें बदलती गई, तो वी हैव मेड द अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट्स होने के बाद आज करंट डेट में, आज के दिन 2020 में, 31 मार्च 2020 को मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं 448 with 25 parts and 12 schedules. Is that clear? Now, हो सकता है आपसे randomly question पूछ ले कि ये बताओ कौन से schedule में लिखा है, ये बताओ कौन से schedule में लिखा है, या इस schedule में क्या लिखा है. तो वो schedules याद रखना, उनको रटना, it's a Herculean task. Okay? So I'll go with that. But पहले आप ये देख लो अच्छे से, ये समझ आ गया? 448 articles अभी हैं,
25 paths and 12 shades. 104 टोटल अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अभी तक, जिसमें से 103, क्योंकि आपको पिछले थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स थोड़े से याद होने चाहिए, सो पूछ सकता है व्हाट इज द लास्ट अमेंडमेंट, व्हाट इज द सेकंड लास्ट अमेंडमेंट. सो द सेकंड लास्ट अमेंडमेंट वाज 103 अमेंडमेंट, व्हिच वाज ऑन 14th of January 2019. और वो अमेंडमेंट क्या था, पिछले साल पेपर में पूछा भी गया था, वो अमेंडमेंट क्या था, EWS कैटेगरी को 10% का रिजर्वेशन दिया गया था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और इसमें स्कूलिंग के अंदर, ठीक है, कितना 10% का, अपार्ट फ्रॉम द नॉन क्रीमी लेयर जो हम लोग देते हैं, अपार्ट फ्रॉम द एससी ओबीसी वाला जो कैटेगरी है उससे अलग 10% का रिजर्वेशन. और 104 अमेंडमेंट क्या है, जिसके अंदर हम सीट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं एससी एसटी की लोकसभा के अंदर. ये कब हुआ, 25 जनवरी 2020. तो ये बेसिकली छोटे छोटे से बात है, 104 अमेंडमेंट हो चुके. अमेंडमेंट कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये हम अलग से देखेंगे. अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा, कि इसी तरीके से अमेंडमेंट होगा. ऐसा नहीं होगा कि चलो ये बदलाव लिया, अमेंडमेंट का मतलब बदलाव, वो तो बदलाव लाना आसान नहीं होता, खासकर संविधान के अंदर, ठीक है. सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है. आज का वीडियो इसके बारे में नहीं है, वीडियो भी शुरू भी नहीं हुआ है, कंटेंट हमने स्टार्ट नहीं किया. आज का जो कंटेंट है वो है शेड्यूल्स के ऊपर. तो मैं आपको आज शेड्यूल रटा दूंगी, कि शेड्यूल अगर आपसे रैंडमली कहीं से भी पूछ ले कि ये कौन से शेड्यूल में लिखा है या इस शेड्यूल में क्या लिखा है, तो आप उसको जवाब दे पाओ. आर यू रेडी? ठीक है, चलिए मेरे साथ फटाफट नोट्स बनाना शुरू कीजिए. और 12 के 12 शेड्यूल हम लोग याद कर लेंगे. कितनी गंभीर स्थिति चल रही है ना देश में हमारे, तो नया पुराना क्या, सारे प्रधानमंत्री रो रहे हैं, है ना. तो 12 के 12 शेड्यूल्स याद करने के लिए हम लोग एक निमोनिक याद रखेंगे, टीयर्स ऑफ, इज दैट विजिबल, ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ये याद रखेंगे. और इससे हम लोग 12 के 12 शेड्यूल देखेंगे. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. डन. अब याद कराती हूं मैं आपको, पहला शेड्यूल क्या बात करता है. पहला शेड्यूल आपको बात करता है टेरिटरीज, टेरिटरीज की. देखो पूरा जो हमारा देश है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, पूरा देश बहुत बहुत सारे स्टेट्स में, टेरिटरीज में डिवाइडेड है. स्टेट्स का डिमार्केशन हुआ है कि ये स्टेट यहां से यहां तक है, राइट. वो सारी बातें किस बेसिस पे होंगी, ये शेड्यूल वन में लिखा है. कहां लिखा है, शेड्यूल वन के अंदर वो सारी चीजें कहां मेंशन मिलेंगी आपको. अगर आपको स्टेट के बारे में कुछ भी पता करना है, टेरिटरीज के बारे में कुछ पता करना है, तो वो कहां मिलेगा, शेड्यूल वन, राइट. ई फॉर इमोल्यूमेंट्स. इमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, Emoluments का मतलब होता है वैसे सैलरीज, ठीक है. आपको कितना आपका मुआवजा, कितनी सैलरी मिलेगी. तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, हाईएस्ट पोस्ट से लेकर सबकी, चाहे वो जजेस हो, जो भी, एनीबडी, उनकी जो इमोल्यूमेंट्स हैं, उनकी जो सैलरीज हैं, उनके बारे में अगर आपको पता करना है, तो आपको सेकेंड शेड्यूल रेफर करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? ए का मतलब होता है अफर्मेशन, अफर्मेशन. देखो हम लोग जितने भी पीपल हु आर इन द लेजिस्लेटिव स्पेशली, दे टेक ओथ एंड अफर्मेशन, दे टेक ओथ, इवन द जुडिशरी, दे गिव और टेक ओथ टू अ पर्टिकुलर पर्सन. ये सारी बातें कि कौन किससे ओथ लेगा, कौन किसको ओथ देगा, ये सारी बातें कहां लिखी हैं, थर्ड शेड्यूल में. ए फॉर अफर्मेशन, अफर्मेशन एंड ओथ, ठीक है. आर फॉर राज्यसभा. देखो आपको ये पता है कि लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, आई होप आपको पता है, ठीक है. लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, लेकिन राज्यसभा के कभी इलेक्शंस नहीं होते. राज्यसभा की सीट का एलोकेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द एमपीज और उस पर्टिकुलर स्टेट में कितना पॉपुलेशन है, कितने एमएलएज है, वो सारा प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे. अगर उस सीट के एलोकेशन के बारे में कुछ भी पता करना है, राज्यसभा की सीट के एलोकेशन के, तो कहां रेफर करना पड़ेगा, फोर्थ शेड्यूल को. इज दैट क्लियर? ठीक है. सो फोर्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा. एस, एस फॉर एससी एसटी, मतलब कि
बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स दी हुई हैं किसको, एससी एसटीज को, ताकि उनका ध्यान रखा जा सके। तो उसके बारे में अगर कुछ भी रेफर करना है हमें, तो हमें कहां जाना होगा, फिफ्थ शेड्यूल में। और कुछ स्पेशल पावर्स जो है, स्पेशल प्रिविलेजेस जो है, या फिर स्पेशल ध्यान रखने के लिए कहा गया अदर स्टेट्स को भी। अदर स्टेट्स कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। अदर स्टेट्स हैं आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इससे इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ATMM, एनी टाइम महक मैम, ठीक है। सो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एफ फॉर फेडरलिज्म, एफ फॉर फेडरलिज्म। देखो फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिविजन ऑफ पावर, और जहां पर भी डिविजन ऑफ पावर होगा वहां पे लिस्ट बच जाएंगी, किस कैसी कैसी लिस्ट की, ये यूनियन का काम है, ये स्टेट का काम है, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्कुरेंट लिस्ट, जहां पे भी फेडरल स्ट्रक्चर होगा वहां पे काम बटेंगे। तो ऑफकोर्स अगर फेडरलिज्म है तो यहाँ पे लिस्ट मेंशन होंगी। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि लिस्ट या फिर ऑब्जेक्ट्स इन लिस्ट के लिए हमें कहां रेफर करना है, तो हमें रेफर करना होगा शेड्यूल 7 को, फेडरल स्ट्रक्चर, राइट। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारी, कोई बताएगा, मुझे तो सुनाई नहीं देगा, आप बता दो। 22 लैंग्वेजेस अभी करंटली, लेकिन जब संविधान बना था तो देर वर 14 लैंग्वेजेस, ठीक है। 3 अमेंडमेंट हुए टोटल, उसके बाद जाकर 22 हुई हैं आज तक। मैंने एक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर एक PDF फाइल डाल दी है, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल में लिखा हुआ है इसके बारे में। तो मैं सिर्फ आपको याद करवा रही हूँ, लेकिन पढ़ना आपको वहां से है डिटेल में, ठीक है। उसमें जैसे मैं 3 अमेंडमेंट बता रहा, तो तीनों अमेंडमेंट लिखे हुए, कौन कौन से हुए, कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई, तो पूछ लेता है कि ये वाली लैंग्वेज कब ऐड हुई, क्या ये लैंग्वेज पहले थी या नहीं थी। ओके, सो प्लीज रेफर टू दैट PDF। एल फॉर लैंड रिफॉर्म, अब कहानी में आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। देखो मैंने आपको बताया था जब संविधान बना था तो कितने शेड्यूल से, 8, लेकिन अभी कितने, 12। इसका मतलब है 9th शेड्यूल जो होगा वो सबसे पहला अमेंडेड शेड्यूल होगा, राइट। हेंस 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था, लैंड रिफॉर्म्स, राइट। 10th शेड्यूल इज एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या बताता है हमें, डी फॉर डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन लॉ बताता है कि क्वालिटीज ऐसी या फिर डिस्क्वालिफिकेशन की चीजें जिससे कि कोई भी अपनी ही सरकार से, अपनी ही पार्टी से बाहर जा सकता है। प्रॉपर डिटेल में मैंने PDF में डाल दिया, आप उसमें से लैंग्वेज पूरी अच्छे से पढ़ लो। बस ये याद रखो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत बार पूछा गया, एन नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड, इट्स मेंशन इन 10th शेड्यूल, राइट। पी फॉर पंचायत, पंचायत पहले नहीं थी, अमेंडमेंट से आई, मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, 1992-93, 73rd and 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है कि कौन सी चीजें कहां पर लिखी हैं, ठीक है। तो दिस इज योर टीयर्स ऑफ ओल्ड PM एंड 12 शेड्यूल्स। सो आई होप आपको कुछ समझ आ रहा होगा और चीजें क्लियर होंगी कि हमें कैसे रखनी है, बिकॉज देर विल बी क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर। ओके, सो प्लीज लुक फॉर द वीडियो, फॉर द PDF विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड कोई और डाउट आ रहा है आपको, आई विल मेक श्योर दैट आई विल कीप इन पोस्टिंग वीडियोस, आपको ब्रेक ना मिले अब तो, रेगुलरली मैं रहूंगी, टेंशन मत लो। प्लीज प्लीज कमेंट, प्लीज लाइक, प्लीज शेयर द वीडियो टू द पीपल हु माइट नीड दिस। आई हैव नॉट प्रमोटेड दिस सीरीज एनीवेयर, ट्रस्ट मी, एनीवेयर आई हैव नॉट प्रमोटेड। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ वी आर नॉट फेसबुक फ्रेंड्स, देन यू कैन कनेक्ट मी ऑन फेसबुक ऑल्सो, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई एम बीन पोस्टिंग, आई प्लान टू पोस्ट ऑन फेसबुक, बिकॉज जैसे हम लोग बैच या टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला सोर्स मेरा फेसबुक ही रहता है। यू कैन गेट इन टच एंड सेंड मी द रिक्वेस्ट, महक अग्रवाल के नाम से ही। एंड बाकी इसका कंटेंट धीरे धीरे हम लोग कवर करते रहेंगे, सो प्रोबेबली इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टेकिंग ऑफ डायरेक्टली फॉर द आर्टिकल्स, ठीक है। तो 1 से लेकर 448 आर्टिकल्स हमने पढ़ने हैं, तो कुछ आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं स्टार्ट कर दूंगी। उसके बाद हम लोग अमेंडमेंट्स लेंगे,
उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल जितने भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सारे पार्ट्स को उठा के उनके पावर्स, ओथ्स, रेजिग्नेशन, इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम फॉर 12 शेड्यूल्स. सो आई होप यू लाइक इट. हैव अ गुड डे. स्टे सेफ. बाय बाय.